रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसने अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि शायद ड्रोन उड़ाने वाले दो ऑपरेटर की बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जिसमें दोनों ऑपरेटर यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। दोनों फारसी भाषा में बात कर रहे हैं और उनका लहजा कुर्दी है, जिसके बाद दावा यह किया गया है कि शाहिद ड्रोन उड़ाने की जिम्मेदारी कुर्द लड़ाकों को दी गई। क्या यूक्रेन युद्ध में ईरान के लड़ाके रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं? क्या यूक्रेन में कुर्द मिलिशिया के जवान ही शाहिद ड्रोन उड़ा रहे हैं? अब तक दुनिया यही जानती थी कि यूक्रेन की बर्बादी में रूस की तरफ से दागे गए मेड इन ईरान ड्रोन शाहिद का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अब इससे भी बड़ा पर्दाफाश अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने किया है। ISW ने ये रिपोर्ट यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के हवाले से जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने 10 फरवरी को एक ऐसा ऑडियो इंटरसेप्ट किया जिसे सुनकर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और नेटो देशों के नेताओं के कान खड़े हो गए। इस टेप रिकॉर्डिंग में किनके बीच बात हो रही है, किस भाषा में बात हो रही थी, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ऑडियो की बात सिर्फ 30 सेकंड बाद करेंगे। फिलहाल आप ईरान के शाहिद 136 ड्रोन, जिसे दुनिया कामिकाजे और आत्मघाती ड्रोन के नाम से जानती है, उसके कहर का मंजर देखिए। ईरान के इस ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध का गेम बदल कर रख दिया। व्लादिमीर पुतिन की सेना जहां पिछड़ रही थी, वहां इस ड्रोन ने ऐसा कोहराम मचाया कि यूक्रेन के सैनिकों में हड़कंप मच गया। अब इसी ड्रोन को लेकर अमेरिका के थिंक टैंक ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक दो शाहिद ड्रोनों के ऑपरेटर की बातचीत रिकॉर्ड हुई है, जिसमें किस ड्रोन का टारगेट यूक्रेन का कौन सा इलाका होगा, इसे लेकर बात हो रही है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ये बातचीत फारसी भाषा में हो रही थी, जिसका लहजा कुर्दी था। यूक्रेन में गरजती मिसाइलों से बरसते बारूद के शोर के बीच बेहद सीक्रेट इस ऑडियो ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूक्रेन की जंग में रूस को सिर्फ ड्रोन ही नहीं दिए हैं, बल्कि ड्रोन चलाने वाले लड़ाके भी भेजे हैं, जो खुद शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में हमले को अंजाम दे रहे हैं। दावे के मुताबिक ये लड़ाके ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़े हो सकते हैं। ईरान के इन लड़ाकों का ताल्लुक कुर्दिस्तान इलाकों से होने की बात कही जा रही है। रूस की सेना बहुत ताकतवर है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के जवानों की तादाद यूक्रेन से 3 गुना से भी ज्यादा है। व्लादिमीर पुतिन के पास वैगनर जैसी प्राइवेट आर्मी भी है। ऐसे में इस बात की आशंका बहुत कम है कि रूस ने ईरान से आए भाड़े के कुर्द चरमपंथियों को जंग के मैदान में उतारा हो। लेकिन इसे भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि शाहिद ड्रोन से दुश्मन को बर्बाद करने में माहिर कुर्द लड़ाके यूक्रेन में मौजूद है। तो एक तरफ शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन को दहशत में डाल दिया है, तो वहीं युद्ध का रुख पलट दिया है। लेकिन रूस के एक ऐसे हथियार ने यूक्रेन की नींद उड़ा दी,
जिसने पूरी दुनिया को तबाही का मंजर दिखाया था। युद्ध में यूएसवी का इस्तेमाल करने का दावा किया गया है, जिसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल कहते हैं। दावा यह है कि इसी यूएसवी से ओडेसा का ब्रिज उड़ा दिया गया था। इसी 13 फरवरी को ब्रिटिश मीडिया ने रूस और ईरान की जंगी जुगलबंदी पर बड़ा दावा किया था। दावे के मुताबिक ईरान स्मगलिंग के जरिए रूस तक ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इसके लिए नावों और सरकारी जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस की नेवी के तेहरान दौरे पर उसे चोरी छिपे कम से कम 18 लंबी दूरी के जंगी ड्रोन दिए गए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना के 10 अफसरों और जवानों ने ईरान का दौरा किया था। इस दौरान रूस की नौसेना ने 6 मुहाजिर 6 ड्रोन को चुना, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होती है, जो दोनों डैनों में एक एक मिसाइल से लैस होता है। इसके साथ ही 12 शाहिद 191 और 129 ड्रोन को भी चुना गया, जो हवा से जमीन पर मार करने की ताकत रखते हैं। ये ड्रोन ईरान के वो हथियार हैं जो शाहिद 131 और 136 की तरह मशहूर तो नहीं है, जिन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह करके रख दिया, बल्कि ये ड्रोन आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने के साथ साथ बमों की डिलीवरी कर वापस लौटने में महारत रखते हैं। ये बात दुनिया जानती है कि रूस और ईरान की दोस्ती दोनों के कॉमन दुश्मन अमेरिका की वजह से हुई है। यूक्रेन को मदद अमेरिका से मिल रही है, वो युद्ध में बीते एक साल से टिका ही नेटो देशों के हथियारों की वजह से है। ऐसे में ईरान भी अपने दुश्मन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस का साथ दे रहा है, उसे आत्मघाती ड्रोनों की सप्लाई कर रहा है। अगस्त 2022 में अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान उसी साल जून के महीने से ही शाहिद 191 और 129 ड्रोन मुहैया कराने की कोशिश में जुटा है, जबकि यूक्रेन ने एक जमींदोज मुहाजिर 6 के जरिए युद्ध में रूस की तरफ से ईरान के ड्रोनों के इस्तेमाल का सबूत तक पेश करने की कोशिश की। रूस के शाहिद ड्रोन के आत्मघाती हमलों से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। हाल ही में रूस की तरफ से यूक्रेन पर वाटर ड्रोन से हमले की खबर भी सामने आई थी। रूस की मीडिया के मुताबिक ये ओडेसा का ज़टोका रोड एंड रेलवे ब्रिज है, जिसे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी यूएसवी से निशाना बनाया गया। अब तक आपने यूएवी या ड्रोन का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए यूएसवी एक नया टर्म है, नया शब्द है। यूएसवी यानी वाटर ड्रोन या ड्रोन बोट से इस पुल को कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर कोई पक्की खबर तो नहीं आई, लेकिन ये पुल यूक्रेन के लिए कितना अहम है ये जानना बहुत जरूरी है। ओडेसा का ये पुल ज़टोका इलाके में है, जो ओडेसा को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। इस पुल पर हमले का 18 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसे कुछ लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। एक छोटी सी नाव जैसी कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो ब्रिज के खंभों के बीच पहुंचते ही फट जाती है। वीडियो के 8वें सेकंड पर यह ब्लास्ट होता है। धमाका होते ही सफेद धुएं का डरावना गुबार उठा, तो देखने वाले दहशत से भर गए। इसके आगे क्या हुआ, पुल को कितना नुकसान हुआ, उसका ना तो वीडियो सामने आया और ना ही इसे लेकर रूस या फिर यूक्रेन ने ही कोई दावा किया है। कीव समेत कई शहरों की बर्बादी की तस्वीरें यूक्रेन अभी भूला भी नहीं है कि कैसे एक झटके में पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था। और इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि अब रूस करीब 700 शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन जल्द ही रूस को 1800 नए ड्रोन मिलने जा रहे हैं। क्या यूक्रेन के पुल को वाकई अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूएसवी से निशाना बनाया गया, इसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों ही अब तक खामोश हैं। लेकिन अगर सचमुच हमले का हथियार यूएसवी यानी वाटर ड्रोन था, तो फिर यह हथियार यूक्रेन के युद्ध में रूस की तरफ से पहली बार आजमाया गया। रूस के कुछ टेलीग्राम चैनलों ने यूक्रेन की मीडिया के हवाले से दावा किया है कि ब्लैक सी से कामिकाजे ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ, जिसमें पुल के खंभों को नुकसान पहुंचा।
ओडेसा का ये इकलौता रेलवे पुल है जो बाकी यूक्रेन को डायरेक्ट जोड़ता है। इसके अलावा ये सबसे छोटा सड़क रूट है जहां से मोल्दोवा सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। टैंक, बम, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान और ड्रोन से यूक्रेन में बारूदी हमले की डरावनी तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन में अंडर वाटर व्हीकल यानी वाटर ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो रूस ने अब तक करीब 700 शाहिद ड्रोनों का इस्तेमाल किया है और अब उसे करीब 1800 नए ड्रोनों की डिलीवरी होने वाली है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी में ईरान के ड्रोनों का खौफ इस कदर है कि वो शाहिद की नई खेप पहुंचने से पहले ही दहशत से भर गए हैं, क्योंकि अब की बार इन ड्रोनों से ऐसे भीषण हमले का डर है जो बीते एक साल में कभी नहीं हुआ। यूक्रेन और उसके मददगार दोस्त बार बार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि युद्ध की पहली बरसी से पहले रूस अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान से करीब 2000 ड्रोनों की नई खेप रूस पहुंचने की खबर भी इस आशंका को सच साबित करती दिख रही है। यूक्रेन में खौफ का आलम ऐसा है कि उसे अपने एयर डिफेंस पर भी भरोसा नहीं रहा, तभी तो उसकी खुफिया एजेंसी खुलेआम कहने को मजबूर है कि ईरान के ड्रोनों से रूस मधुमक्खियों के झुंड की तरह एयर डिफेंस को पल भर में भेद देगा। रूस के इस घातक प्लान पर मोहर उस खबर से भी लगी है जिसके मुताबिक अब रूस में ईरान के ड्रोनों की फैक्ट्री बनने वाली है जिसमें करीब 6000 खतरनाक शाहिद ड्रोनों का निर्माण होगा। युद्ध में गेम चेंजर ड्रोन से अटैक के साथ रूस जल्द ही यूक्रेन पर बारूदी हमले की नई सीरीज शुरू कर सकता है। Зараз що Кремль намагається вичавити з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніше, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. ऐसे में नेटो समेत यूक्रेन के 50 से भी ज्यादा मददगार देश उसे टैंकों के बाद लड़ाकू विमान और मिसाइलें देने पर मंथन में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मददगारों को इसका मौका भी देंगे?